नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में जब भी चुनाव होता है तो लगभग हर चुनाव में पार्टियों में अंतर कलह होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, लेकिन कुछ पार्टियां इसे आपस में समेट लेती है तो कुछ पार्टियों का कलह सार्वजनिक हो जाता है, कुछ में फूट भी पड़ती है। राजनीति को समझने और राजनीति को देखने वाले लोगों के लिए ये बात कोई ना ही बड़ी है और ना ही कोई नई है। पार्टियां छोड़ने का दौर भी लगा रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में सालों से रह रहे दिग्गज भी लगातार पाला बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और न जाने कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है, जिनमें से ज्यादातर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। और बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत को तो मानो गुजरात ने वास्तव में आत्मसात ही कर लिया है और गुजरात कांग्रेस मुक्त हो गया है, क्योंकि गुजरात के पूर्व सीएम रहे नरहरी अमीन और 40 साल कांग्रेस में रहने वाले अर्जुन मोडवाड़िया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी पर अक्सर आरोप भी लगते हैं कि वो दूसरे दलों के नेताओं को हर एक रणनीति से दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें लालच देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो नेता भी इतने दशक कांग्रेस में गुजारने के बाद बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतने अनुभवी नेता भी ये जानते हैं कि कांग्रेस के एक लंबे समय तक सत्ता में आने की स्थिति फिलहाल नहीं है और फिलहाल सत्ता में आने का बीजेपी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार एक एक करके राज्यों को गंवा रही है, पार्टी के प्रति लोगों में, वोटर्स में विश्वास कम हो रहा है, उससे लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी और इसी वजह से उनका भी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेता अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक नेता चाहता है कि वो एक बार विधायक या फिर एक बार सांसद बनकर वो खुश नहीं है, वो दोबारा बनना चाहते हैं और फिर खुद तो बनना ही चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बनाना चाहते हैं। इसे आप केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रामदास अठावले के उस भाषण से भी समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हवा बीजेपी की ओर चल रही थी, इसलिए मैं यहां आ गया। लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था, लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो पार्टी छोड़ने की वजह कुछ भी बताएं, लेकिन असली वजह इसके पीछे यही लगती है, सत्ता लालच। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता तो कांग्रेस छोड़ ही रहे हैं, साथ ही छोटे मोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। पुराने मंत्रियों, पुराने सांसदों, विधायकों की ये संख्या का अनुमान लगाया जाए तो ये संख्या करीब 100 के पार पहुंचती है और उनके साथ में जो कार्यकर्ता आए वो अलग। और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में आने के बाद बड़े नेताओं को निराशा का सामना करना पड़ा है, भाजपा ने उन्हें अच्छा खासा पद भी दिया है और नहीं तो फिर सांसद विधायक तो कम से कम बनाया ही है, फिर चाहे वो अपने चेहरे पर बने, अपने नाम की बदौलत जीते या फिर वो जीते मोदी लहर में। जिन राज्यों में पिछले एक दो सालों में बीजेपी की सरकार बनी है, जैसे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की, इसके अलावा उत्तराखंड में भी पहली बार बीजेपी ने सत्ता को दोहराया, इन राज्यों की राजनीति पर जरा गौर करें तो राजनीति के बड़े नामों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कई कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मिल जाएंगे। और यही कारण है कि गुजरात जैसे बड़े राज्य में लोग कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देखते ही नहीं है, यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी बन रही है। उधर जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से ही कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेसी जो नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कारण यही नजर आता है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य एक तो सुरक्षित करना चाहते हैं, दूसरा अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। और इनमें से अगर किसी पॉइंट पर हम ना भी नजर डालें तो एक पॉइंट जो नजर आता है वो ये है कि वो भी जानते हैं कि कांग्रेस के इस समय सत्ता में वापसी करने का
कोई चांस नहीं है इस वजह से। और इसके जो आंकड़े हैं वो भी बयां करते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार राज्यों से जा रही है, एक एक करके कई राज्यों को गंवा रही है और गिनती के 10 राज्यों में भी अब कांग्रेस की सरकार नहीं रह गई है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।